नमस्कार। एमबीबीएस 2023 के पहले वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि स्पेसिफिक वीडियो होगा एडमिशन प्रोसेस के लिए। और केरल के होम पेज पे इस समय हम हैं, जो केरल की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है और नाम है इसका cee.kerala.gov.in। इस पर आप देखेंगे तो 10 अप्रैल लास्ट डेट है, अभी बहुत समय है। ये बटन है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहली बात, हम केरला का फॉर्म क्यों भरे? केरल में हिंदुस्तान के सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो ये अगर आप देखते हैं तो ये फीस है 2022 की, और आप देखते हैं कि 6 लाख रुपए साल से फीस स्टार्ट हो जाती है, तो हॉस्टल मिला के सब कुछ मिला के भी आप 45 लाख रुपए में MBBS कर सकते हैं इंडिया में, और फिर इट गोस अप टू 50 लाख, इसी रेंज में केरला खत्म हो जाता है। इवन NRI की फीस भी केरला में काफी रीजनेबल है, और केरला में सीटें हैं नॉन केरलाइट बच्चों के लिए। अब 2021 बैच तक क्या होता था कि हम हमेशा सोचते थे या कहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, लेट मी पुट इट दिस वे, क्या फायदा भरने का, इसकी कट ऑफ तो 550 जाती है। तो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है। 2022 में 473 नंबर पर भी आपको हमें मॉपअप में केरल में एडमिशन मिला है। जी हाँ, अब ये बड़ी बात है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कॉमन परसेप्शन ये है कि 450 से ऊपर एडमिशन मिलता है, बट 443 मार्क्स में अल अजहर मेडिकल कॉलेज में मॉपअप में सीट आई। सिमिलरली करुणा मेडिकल कॉलेज में 503 में थी, डॉक्टर मूपन मेडिकल कॉलेज में 456 पे थी, माउंट जियोन में 452 पे। तो मिनिमम 443 मार्क्स पर भी हमें 50 लाख के पैकेज में इंडिया में MBBS का ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ दिस इज द बिग थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि देखिए हमेशा से एक धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो 2021 तक धारणा यह थी कि 21 तक केरल के कर्नाटका में तो 530-540 से नीचे चांस ही नहीं है, मौका ही नहीं है, तो हम फॉर्म ही नहीं भरते थे। फॉर्म की जो कीमत है वो सिर्फ 500 रुपए है। कितनी? 500 रुपए। और केरला में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांगा जाता। देखिए सारे साउथ इंडियन स्टेट्स में, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। ये जो 500,000 फीस होती है, यही सिर्फ फीस होती है। हमने बच्चों को कोटा में पढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, और 500 रुपए में हम इतना ज्यादा सोचते हैं, जबकि कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, और तुक्का लग जाए तो 440 पे भी सीट मिल गई, ऑफकोर्स विद द राइट काउंसलिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि मॉपअप पे मिली है। सेकंड राउंड तक कट ऑफ बहुत हाई थी, लेकिन जब से 2022 में वो रूल आ गया कि सेकंड राउंड में जो भी आपने सीट ले ली, एक्सेप्ट कर ली, फीस जमा कर दी, आप रिजाइन नहीं कर सकते, और 2022 में ये रूल बहुत सख्ती से लागू हो चुका है, तो उसकी वजह से लास्ट ईयर मॉपअप में काफी कट ऑफ गिरी अक्रॉस इंडिया, और केरला में तो गिर के 440 आ गई। तो इसी लॉजिक से, इसी वजह से आप अपने सब क्लाइंट्स को मैं हमेशा कहता हूं कि ये फॉर्म भरने में कंजूसी मत कीजिए, और हम आपके लिए भर रहे हैं ना, जो भी हमारा प्रीमियम पैकेज लेता है उसके सारे फॉर्म हम भरते हैं, तो फिर क्या आलस है, क्या 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 दिक्कत है? सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी केरल के बाहर के हैं, एक क्वेश्चन आएगा आपके जब आप फॉर्म भर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन करते हुए, कि व्हाट इज योर नेटिविटी। सो हम NK2 होते हैं, नॉन केरलाइट 2। अब लोग पूछते हैं सर, नॉन केरलाइट 1 और 2 में क्या फर्क है? तो देखिए केरलाइट तो वही हो गया जो केरल है, नॉन केरलाइट 1 इन्होंने उनको दे रखा है जो केरल डोमिसाइल नहीं है, पर लेट से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो केरल में पोस्टेड हैं, और बच्चे ने 11 12th केरला से करी है। दिस इज वन कंडीशन। ऐसे 5-6 कंडीशन है, वो आपको इस ब्रोशर में मिल जाएंगी, बल्कि ऊपर ऊपर से आपको पता चल जाएगा जब आप सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हो। लेकिन NK2 जो कि मोस्टली मेरे हिसाब से फॉल करेंगे, जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, उनको सिर्फ अपने स्कूल से सर्टिफिकेट बनवाना है कि भाई मैं आपके स्कूल में पढ़ रहा हूं, और इस और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं लास्ट ईयर, वो क्लास 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर दे तो काम चल जाएगा। समझ रहे हैं? जो ड्रॉपर बैच के हैं, जो इस साल पढ़ रहे हैं, वो ये बनवा के लें स्कूल से, आप अपलोड कीजिए, आपका NK2 हो गया। सिर्फ 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है, 443 नंबर पे लास्ट ईयर सीट मिली है। तो इशू सिर्फ ये है कि ये सीट मॉपअप राउंड में मिली है, और 2022 में सबसे बड़ा रूल जो सख्ती से आ चुका है वो ये है कि सेकेंड राउंड में सीट लेने के बाद, लेना मतलब लेना, फीस जमा कराना, आप काउंसलिंग के बाहर हो गए, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल।
उस वजह से लास्ट ईयर मॉपअप्स में बहुत कट ऑफ गिरी। और वेन यू हैव अ राइट काउंसलर, देखिए आप घबरा के राउंड टू में ही आपने सीट पकड़ ली 70 लाख की, जबकि आपको राउंड थ्री में मिल सकती थी 50 लाख की। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर राउंड थ्री में सीट ना मिली, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि जो राउंड टू में आपको 70 लाख की सीट मिल रही थी ना, वैसे ही सीट तो मैं आपको राउंड थ्री में भी दिलवाई दूंगा, लेकिन राउंड थ्री में एक बार ये 50 लाख की सीट लेने का चांस तो ले लो। एंड दैट इज द राइट काउंसलिंग ऑल अबाउट। बहुत आसान है मेरे लिए, किसी का ना फोन आया सर सीट की गारंटी देते हो, मैंने कहा गारंटी 140 नंबर पे गारंटी है, 1.5 करोड़ की फीस भरो, डीवाई पाटिल पुणे में चले जाओ, सीट पहले दिन से लो, कट ऑफ उठ के सो लो। पौंडेचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज, तमिलनाडु की दो तीन डीम्ड यूनिवर्सिटीज खाली रहती हैं, गारंटी है सीट की। पर क्या आपको उस सीट की गारंटी चाहिए कि अच्छी सीट की गारंटी चाहिए, अच्छी सीट की मेहनत चाहिए? तो एमबीबीएस इंडिया में प्राइवेट सीट दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुल के कहता हूं जो भी नीट क्वालिफाई स्कोर होगा उसके 5 नंबर ऊपर पे भी आपको सीट मिलेगी। अब इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस सीटें ज्यादा हैं डिमांड से, डिमांड मतलब फीस के हिसाब से, क्योंकि फीसें ज्यादा हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी पढ़ाई वाला मिले और कम फीस वाला मिले, करेक्ट? और उसके लिए काउंसलिंग करवानी पड़ती है आपको। सिर्फ सीट लेनी है तो बहुत आसान काम है। तो जैसा मैंने आपको छोटे से वीडियो में बताया, केरल फॉर्म जरूर भरिए, बहुत फायदेमंद है आपके लिए। हमारी प्रीमियम काउंसलिंग की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, 9643362320 पे कॉल कीजिए, हम आपको केरला का फॉर्म भी भरवाएंगे, नीट का फॉर्म भी भरवाएंगे जिसने अभी तक नहीं भरा, और आगे भी सारी मदद सारी हेल्प करेंगे एंड टू एंड। हम सिर्फ टेलीग्राम या व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए अलग से एक व्हाट्सएप होता है। मैं हमेशा कहता हूँ 50 रुपये क्लाइंट लेते नहीं है, और हर क्लाइंट के साथ मेरा पर्सनली 1-to-1 कनेक्ट चलता है, जैसे कि जो बच्चा है वो मेरा ही छोटा भाई या बहन है, या शायद और 5 साल बाद मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे ही अपने बच्चे हैं, क्योंकि मेरी खुद के बच्चे अब 12th में आ चुकी है। तो उसी तरह मैं हर बच्चे को ट्रीट करता हूँ, और एक एक बच्चे के साथ हम पर्सनली टच में रहते हैं, एक एक बच्चा उसकी फैमिली को हम पर्सनली मैं जानता हूँ, और उसके हिसाब से हम राइट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बच्चा क्या है, बच्चे की फैमिली क्या है, बच्चे की डिमांड क्या है, फैमिली की डिमांड क्या है, किसी को डिस्टेंस मैटर करता है, किसी को फीस मैटर करती है, किसी को क्वालिटी मैटर करती है। आपने मेरे राजस्थान के 2-4 वीडियो सुने ही होंगे कि कैसे किसी ने बड़े जोश में सरकारी कॉलेज लिया था राजस्थान का, सॉरी विद सरकारी यूनिवर्सिटी। मेरा एक क्लाइंट था जी, जिसने बड़ी जिद की कि मेरे को अनंता या अमेरिकन में जा रहा है, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं बताना चाहता, ऐसे मैं आपको कंफ्यूज छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वहां पर आरओएचएस की डिग्री मिलती है। बट दिक्कत ये हुई कि अगर आपका बच्चा पूरी मेहनत ना करे तो जहाँ पर खुद की यूनिवर्सिटी होती है, जो राजस्थान के बाकी कॉलेजेस में होती है, तो फिर भी मैनेज हो जाता है पास होना, लेकिन आरयूएचएस में तो वो बच्चा फेल ही हो गया है। और सोचिए उसका 1.5 साल तो खराब हो चुका, वो रिपीट कर रहा है विदाउट अटेंडिंग क्लासेस, पेपर पास करेगा और पेपर पास अगर नहीं कर पाया तो सब कुछ खत्म, और वो जो पहले साल की 20 लाख फीस दी थी वो भी खत्म। और अगर आप फेल हो गए तो आपको एक्चुअली पूरी फीस भी कॉलेज को अदा करनी पड़ेगी। तो ये जो अंदर की बातें है ना, उसके लिए आपको चाहिए होता है राइट काउंसलर, जो हम आपके सामने बैठे हैं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, हमारी सर्विसेज चाहिए, 9643362320 पे कॉल कीजिए, मुझसे बात करने के मिनिमम चार्जेस होते हैं 2,500 रुपीज फॉर अ 10 मिनट डिस्कशन, 5,000 रुपीज फॉर अ 30 मिनट डिस्कशन। पूरे पैकेज का प्राइस होता है हमारा 25,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक, 1.5 लाख रुपये भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जिसके 660 नंबर आ गए हैं और सिर्फ उसको गवर्नमेंट सीट और ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में कन्फ्यूजन है, उससे हम सिर्फ 25,000 रुपये लेते हैं। पर जो 200 नंबर वाला है, जो अच्छी सीट चाहता है, उससे हम 1.5 लाख रुपये लेते हैं। तो हमारी प्राइस है वो डिपेंड करता है कि हम आपके लिए कितनी मेहनत करने वाले हैं। नमस्कार, बाय बाय।